हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री. चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भेजा था. इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ. सबसे पहले एक्सप्लोर द टेक्स्ट. हु सेड टू होम, यानी किसने किससे कहा. फर्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो. ये किसने कहा? तो ये एबॉट ने अपने शेफर्ड से कहा था. तो आंसर होगा एबॉट सेड टू द शेफर्ड. क्वेश्चन नंबर टू, यू शैल लीव until the day that you die and not one day longer. आप तब तक रहेंगे जब तक कि आप जिंदा रहेंगे और उससे एक दिन भी अधिक नहीं. ये किसने कहा था? तो ये शेफर्ड ने कहा था किंग जॉन को. तो आंसर होगा द शेफर्ड सेड टू किंग जॉन. थर्ड है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू. किसने कहा था कि तुम्हें आपको गलत समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. तो ये किंग जॉन ने गुस्से में कहा था एबॉट ऑफ कैंटरबरी को. तो आंसर होगा किंग जॉन सेड टू द एबॉट ऑफ कैंटरबरी. फोर्थ, आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव. किसने कहा था कि मैं तुम्हें चांदी के 4 टुकड़े प्रति सप्ताह दूंगा? कब तक? जब तक कि तुम जीवित रहोगे. आंसर होगा किंग जॉन सेड टू द शेफर्ड. किंग जॉन ने शेफर्ड को कहा था जबकि वो खुश हुए थे उसकी हाजिर जवाबी से. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड किंग जॉन हर्ड अबाउट द एबॉट ऑफ कैंटरबरी. किंग जॉन ने कैंटरबरी के एबॉट के बारे में क्या सुना था? आंसर होगा किंग जॉन हैज हर्ड दैट द एबॉट वॉज लिविंग अ लाइफ बेटर देन द किंग. राजा ने सुना था कि जो एबॉट है वह राजा से भी अच्छा जीवन यापन कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेर द 3 क्वेश्चंस दैट किंग जॉन आस्क्ड द एबॉट टू आंसर. वे 3 प्रश्न कौन से थे जो राजा जॉन ने एबॉट से पूछे थे या एबॉट से उनका उत्तर मांगा था? आंसर, द 3 क्वेश्चंस दैट वेयर आस्क्ड बाय किंग जॉन टू द एबॉट वेयर एज फॉलोज. वे 3 प्रश्न जो राजा जॉन के द्वारा एबॉट से पूछे गए थे वो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, हाउ लॉन्ग ही वुड लिव. राजा ने पूछा था कि मैं कब तक जीवित रहूंगा. दूसरा प्रश्न था How soon he will ride round the whole world. वह कब पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे. तीसरा था What he was thinking at that time. वह इस समय क्या सोच रहा था. क्वेश्चन नंबर 3, Why did the king ask such foolish questions? अब राजा ने ऐसे मूर्खता भरे सवाल क्यों की? आपको क्या लगता है कि ऐसे बेवकूफ वाले सवाल करने का क्या औचित्य था? आंसर है, द किंग वाज जेलस ऑफ द एबॉट सो ही वांटेड टू पनिश हिम एंड टेक अवे हिज होल प्रॉपर्टी. जो राजा था वो एबॉट से जेलस था. उसे एबॉट से ईर्ष्या होने लगी जब उसने सुना कि जो एबॉट एक बहुत बड़े घर में रहता है और राजा से अच्छा जीवन यापन करता है. सो ही वांटेड टू पनिश हिम. अब ये सुना तो राजा को खराब लगा, तो राजा उसे सजा देना चाहता था. एंड टेक अवे हिज होल प्रॉपर्टी, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 4, वॉज द एबॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच प्लेस डिड ही विजिट. क्या एबॉट को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला?
तो इसका आंसर है नो, द एबॉट वॉज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ही विजिटेड द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज. एबॉट को अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला. वह जितनी भी वहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे इंग्लैंड के, जो ऑक्सफोर्ड थे, कैम्ब्रिज थे, वह हर जगह गया, पर वह निराश ही रहा. क्वेश्चन नंबर 5, हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, व्हाट वेयर द आंसर्स. राजा के प्रश्न का उत्तर किसने दिया और वो उत्तर क्या थे. आंसर, द सेफर्ड आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन. सेफर्ड ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया. द थ्री क्वेश्चंस वेयर एज फॉलोज, और वे जो तीन प्रश्न थे वे निम्न है. फर्स्ट, ही वुड लीव अंटिल द डे ही वुड डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर. अब गररिया ने जो पहला उत्तर दिया वो था कि वह तब तक इस दुनिया में रहेंगे जब तक कि जीवित हैं और उससे एक दिन भी अधिक नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, ही मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सन अंटिल इट राइजेस द नेक्स्ट मॉर्निंग. अब राजा ने पूछा था कि मैं तो पूरी दुनिया का चक्कर कितने देर में लगा सकता हूँ, तो उसका उत्तर दिया उसने कि आप सूर्य के साथ उगिए, उठिए और सूर्य के साथ आप चक्कर लगाइए. कब तक? अगली सुबह तक, यानी कि 24 घंटे में आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे. थर्ड क्वेश्चन था कि राजा ने पूछा था कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो गररिया ने उसका उत्तर दिया द किंग वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज द एबॉट ऑफ कंट्रीब्यूटी बट ही वॉज ओनली अ सेफर्ड. गररिया ने कहा था कि आप सोच रहे हैं कि मैं कंट्रीब्यूटी का एबॉट हूं, लेकिन वास्तव में मैं केवल एक गररिया हूं. नाउ वर्ड पावर. अब आपने पढ़ा था ब्रेव नाइट्स, तो ये जो वर्ड ब्रेव है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को. तो आपको सुटेबल एडजेक्टिव्स खोजने हैं और उसे मिलाना है. तो मैंने सामने सामने लिखा है गोल्डन स्टफ, छड़ी. तो एबॉट की जो सुनहरी छड़ी थी वो सोने की थी, इसका मैंने लिखा है गोल्डन स्टफ. सेकेंड है लॉन्ग गाउन. एबॉट का गाउन कैसा था? लंबा था, तो लॉन्ग गाउन मैंने किया है. गुड मास्टर, सेफर्ड ने कहा वेलकम होम गुड मास्टर, मेरे अच्छे मालिक आपका स्वागत है. चेन, जो नाइट्स होते थे वो गोल्डन चेन पहन करके रहते थे और वो टेबल पर एबॉट का इंतजार करते थे, इसका मैंने चेन के साथ गोल्डन लगाया है. कोट्स, वेलवेट, जो नाइट्स थे वो वेलवेट कोट पहनते थे, गोल्डन चेन पहनते थे, इसका मैंने कोट के साथ वेलवेट लगाया है. मैन, वाइज, वाइज मैन, चतुर व्यक्ति. जो एबॉट थे वो बहुत से वाइज मैन के पास गए थे इसका आंसर खोजने के लिए, लेकिन उसका आंसर उन्हें नहीं मिला था. नाउ रीड द टेक्स्ट थॉरली एंड मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. आपको क्या करना है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है और उसे कंप्लीट करना है. तो मैंने सामने सामने लिख दिया है यू शैल लीव अंटिल द डे दैट यू डाई, कि आप तब तक रहेंगे जब तक कि आप जीवित मर नहीं जाते. सेकेंड है बट इफ यू फेल टू आंसर माई थ्री क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड. राजा जॉन ने कहा था कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारा सर मैं काट डालूंगा. थर्ड है हैव यू नेवर येट हर्ड दैट अ फूल मे टीच अ वाइज मैन वीट. क्या आपने कभी नहीं सुना है कि कभी कभी मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, एक चतुर व्यक्ति को भी सबक सिखा देता है. फोर इफ नथिंग एल्स कैन बी डन कैन एटलीस्ट आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस. अगर कुछ नहीं कर सका तो कम से कम मैं आपकी जगह पर मर तो सकता हूं. ये सेफर्ड ने अपने मालिक एबॉट को कहा था.
5. आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक. मैं प्रति सप्ताह तुम्हें चांदी के 4 टुकड़े दूंगा. कब तक? एज लॉन्ग एज यू लीव. तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.